अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो इट्स द पार्ट टू ऑफ गुजर महोत्सव। एंड यहाँ पे ना बीच में ऐसे चौकी सी बना रखी हुई थी जहाँ पे सब बैठे हुए थे, और फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। जब मैंने किसी से पूछा तो मुझे बताया उन्होंने कि यहाँ पे ना कुछ दान, मतलब लोग जो थे वो दान कर रहे थे, तो उसी के बारे में बताया जा रहा था। एंड देन उसके आगे भी मतलब बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे अलग अलग, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे खाने पीने की, और उस साइड ना फूड स्टॉल्स भी लगे हैं। मैं भी आपको चल के दिखाती हूँ, उस साइड बहुत सारी फूड स्टॉल लगे हैं। वैसे मैंने कैप्चर भी किया उसे। और जो बेस्ट थिंग थी वो था परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे फूड स्टॉल लगा था इनके जो भी, एंड हेयर इज द बेस्ट थिंग जो मुझे पूरे महोत्सव में सबसे अच्छी चीज़ लगी थी, वो थी ये परफॉर्मेंस। क्योंकि इस परफॉर्मेंस पे एमसी स्क्वायर आने वाला था, और भीड़ तो आप चेक ही कर सकते हो कि एमसी स्क्वायर को देखने की भीड़ कितनी ज़्यादा थी। और भी बहुत सारे एक्टर्स सिंगर्स वगैरह आने वाले थे, तो यहाँ पे ये थे एमजी गुजर जो परफॉर्म कर रहे थे, और इसके बाद जो परफॉर्मेंस थी वो एमसी स्क्वायर की थी। यहाँ पे जैसे हमारे इसमें इसको खाट कहते हैं, जहाँ लकड़ी का होता है उसका पैर, और उसके ऊपर रस्सी से उसको डिज़ाइन करके बनाया जाता है। और ये सारी हैंडमेड चीज़ें जो इन्होंने हाथ से बनाई है लकड़ी के द्वारा, जो भी बनाया हुआ है डेकोरेशन की चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये जिस चक्की, पीसने वाली चक्की, पुराने टाइम में ऐसी चक्की यूज़ होती थी, और पीछे भी जैसे वो घास काटने वाली मशीन, और यहाँ पे इतनी सारी हैंडमेड चीज़ें जो कि डेकोरेशन में काम आती हैं, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे इन्होंने बॉटल वर्क से, बॉटल से होममेड डेकोरेशन की चीज़ें बनाई हैं, जो कि देखने में लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। बाकी तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें इन्होंने होम डेकोरेशन की बनाई है, वो भी खुद अपने हाथों से, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिर यहाँ पे स्टॉल लगा के वो इसे सेल भी कर रहे थे, तो इट्स अ गुड थिंग। और पूरा महोत्सव घूमते घूमते हम एग्जिट की तरफ भी आ गए, और भीड़ तो यूजुअली बहुत ज़्यादा थी, हर जगह बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ एंड में भी गेट के पास भी इनका ट्रेडिशनल सॉन्ग चल रहा था, और ढोलक बज रहा था, और उस पर यहाँ डांस चल रहा था सबका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग, होप सो यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।